पहले मैं आपको अपनी तरफ से अपने क्षेत्रवासियों को अपने प्रांत वासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। नया वर्ष सभी के लिए खुशियाँ लेके आए, हर मनोकामना पूर्ण नए वर्ष में लोगों की हो। आज का एजेंडा ये है, मैं 16 तारीख का अखबार मैंने पढ़ा और अखबार के माध्यम से मुझे पता लग गया, मैं आहत नहीं हूँ अचंभित हूँ कि मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया। हमारे क्षेत्रीय विधायक ने हमारे खिलाफ, मुझे लगता है इसमें जैसे उनका नाम आया हुआ है श्री गरुड़ा जी का, उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ लिख के दिया होगा। पार्टी के द्वारा मुझे कोई ना कोई नोटिस दिया गया, ना मुझे कोई बताया गया, ना कोई मेरे से कारण पूछा गया। और जैसे अखबार के माध्यम से मुझे पता लग गया, मैंने कभी किसी दूसरी पार्टी का कभी कोई मंशा जारी किया किसी पार्टी के लिए, और मैं किसी पार्टी की मीटिंग में नहीं गया। हमेशा मैं कांग्रेस का समर्पित सिपाही रहा हूँ और मेरी निष्ठा श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति है, मेरी निष्ठा राहुल जी के प्रति है, मेरी निष्ठा भूपेंद्र हुड्डा के प्रति है, मेरी निष्ठा दीपेंद्र हुड्डा के प्रति है, मेरी निष्ठा प्रदेश अध्यक्ष के प्रति है। मेरी निष्ठा किसी प्रत्याशी या विधायक के प्रति नहीं है, क्योंकि मैं इस विधायक से पुराना कांग्रेसी हूँ। मेरा परिवार, ये विधायक तो पहले लोकदल पार्टी से भी विधायक रह चुके और अब की बार भी जैसे लोग कह रहे हैं, सुनने में हमारे को आता है, अगर इसको बड़ौदा से टिकट नहीं दिया जाता तो शायद ये कोलोई से किसी भिन्न पार्टी से, जैसे लोग कहते हैं, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ता। यहाँ बड़ौदा हल्का में चुनाव से पहले एक मुहिम चली थी पंचायती लोगों द्वारा, मैं सभी पार्टी के प्रत्याशी हमारे क्षेत्र के ही हों, कोई बाहरी प्रत्याशी ना हो। बाहरी प्रत्याशी होने की वजह से इसका क्षेत्र में भारी विरोध था, दुर्भाग्य से इसको टिकट मिल गया। और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का क्षेत्र में जैसे दौरा हुआ, उसके बाद क्षेत्र की फिजा बदली। यहाँ के लोगों ने विधायक को वोट नहीं डाला, मुख्यमंत्री को वोट डाला। यहाँ के लोग भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और ये भूपेंद्र हुड्डा के नाम पे यहाँ से विधायक बने हैं। कोई नोटिस भी दिया था आपको पार्टी निकालने को? कोई किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया। मुझे अचरज है इस बात का, अचंभित हूँ मैं इस बात से, अगर मुझे पार्टी से किस गतिविधि, क्या मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, जबकि 13 तारीख को चुनाव के समय में भूपेंद्र हुड्डा जी हमारे गांव में आए थे गंगाणा में। उन्होंने मेरे को आने से एक दिन पहले खुद टेलीफोन कराया था, भाई मैं आपके गांव में 13 तारीख को आ रहा हूँ। मैं वहाँ चला गया, वहाँ मेरा कुछ असामाजिक तत्व और शराबियों द्वारा अपमान करवाने का भी प्रतिनिधि के द्वारा कराया गया। मैं उस समय भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता था, मैं मेरा अपमान करवाया, नजायज मेरे को प्रतिद्वंदी समझ गए, जबकि मैं उसको अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता, वो प्रतिद्वंदी मैं उसको अपना नहीं समझता, क्योंकि वो मेरे क्षेत्र के नहीं हैं। मेरे क्षेत्र का कोई आदमी हो मुकाबला में तो मेरा प्रतिद्वंदी हो, जब वो मेरे क्षेत्र का है ही नहीं। तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने मेरे को उस समय पर कहा, भाई आप बेटे साइलेंट रहो, चुनाव के समय में ऐसा हो जाता है। तो मैं अपना साइलेंट रहा, इन्होंने मेरे को मदद के लिए बुलाया नहीं, मैं अपने आप गया नहीं। इसमें क्या गतिविधि उन्होंने समझी मेरे खिलाफ, अगर मैंने पार्टी के खिलाफ कोई प्रचार दुष्प्रचार कराया है, इसका विरोध किया है। हाँ, क्षेत्र में ये जरूर विरोध था, वे क्षेत्र के लोगों को उम्मीदवार अपना चाहिए था, और ये कहीं ना कहीं इस बात को समझता होगा अपने लेवल से ही कि भाई ये मुहिम कहीं कुलदीप गंगाणा ने या किसी जो यहाँ से टिकट का उम्मीदवार था उसने ना करवा दियो। मेरे को ये प्रबल उम्मीदवार समझता था, ईर्ष्यावशिष ने मेरी छवि को खराब करने के लिए पार्टी को मेरे खिलाफ लिख के दे दिया। विधायक की तरफ से कह रहे हो, तो कितने कांग्रेसियों ने अब तक पार्टी छोड़ चुके हैं जो लगभग कांग्रेसी पार्टी से यहाँ जुड़े हुए हैं? कई लोगों ने अब की बार, जैसे भूपेंद्र मलिक जी ने चुनाव लड़ा है जेजेपी से, वो पहले पुराने कांग्रेसी थे, और मेरे भी को भी भिन्न भिन्न पार्टियों से ऑफर आया था, भाई आप चुनाव ही आपको लड़ना है तो आप हमारी पार्टी से लड़ सकते हो, मगर मैंने बोल दिया भाई मेरे हृदय में कांग्रेस बसती है, मेरे हृदय में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा बसते हैं, मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मेरे पूर्वजों ने अपनाई थी। जिस सत्र पर भी हम पार्टी के लिए काम कर सकते थे, मेरे पूर्वजों ने भी
मेरे दादा पिता ने भी और मैंने भी पार्टी के लिए काम किया है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, मैंने हजारों यूनिट रक्तदान शिविर के माध्यम से हजारों ब्लड यूनिट डोनेट करवाया, और जिससे लोगों को एक आप इसको कह सकते हो बगैर बगैर कुछ वापसी लेने के लिए धर्म का काम। दूसरी चीज़, मैंने बहुत से स्वास्थ्य कैंप लगवाए जिससे लोगों को आँखों के लिए चश्मे का प्रावधान करवाया गया, जिसमें कानों के लिए सुनने की मशीन का प्रावधान कराया गया। तो सामाजिक कार्य कोई भी हो, और मेरा प्रतिद्वंदी मेरे को अच्छे काम करने से रोक नहीं सकता। मैं जब तक मेरे अंदर सांस हैं, परमात्मा ने मेरे को सांस दिए हैं, जब तक मैं राजनीति से हटके भी बल्कि सामाजिक कार्य करता रहूँगा, अच्छे काम में हमेशा कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा